देर से सर 4 बजे से आपका इंतजार जी, 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 जी बताया जाए ना, इशू क्या है बताइए। हम लोग घोषित नहीं करते हैं, आप एमएलए हैं जी, बाढ़ घोषित नहीं होता है, पहला बस सीख लीजिए, नहीं घोषित नहीं होता है, बाढ़ का कोई रूल नहीं है, पूरा सर पूरा क्षेत्र डूबा हुआ है। एक बात बताइए सर, मान लीजिए एमएलए लोगों का फोन या मैसेज का कोई वैल्यू नहीं है आप लोगों के, तो वहाँ मान लीजिए आपसे नहीं भेटो, आगे बढ़िए बताइए, आपके लिए एक मैसेज है, मेरे लिए बहुत काम है और बढ़िए आगे। आप नमस्कार, आप देख रहे हैं beforeprint.in और मैं हूँ रंजीत झा। एक वीडियो वायरल हो रहा है, यह वीडियो बेहद हॉट टॉक वाला वीडियो है। हॉट टॉक इसलिए है क्योंकि दो लोग आपस में तीखी बहस कर रहे हैं और ये कोई आम लोग नहीं है। एक हैं बिहार सरकार के आपदा विभाग के प्रधान सचिव और दूसरे हैं बरहरा के राजद विधायक सरोज यादव। दोनों के बीच हॉट टॉक चल रहा है। मामला क्या है इसको समझने से पहले एक बार आपको वीडियो को देखना होगा कि वीडियो में क्या है। देर से सर 4 बजे से आपका इंतजार। जी 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 बताया जाए ना, इशू क्या है बताइए। हम लोग घोषित नहीं करते हैं, आप एमएलए हैं जी, बाढ़ घोषित नहीं होता है, पहला बस सीख लीजिए, नहीं घोषित नहीं होता है, बाढ़ का कोई रूल नहीं है, पूरा सर पूरा क्षेत्र डूबा हुआ है। एक बात बताइए सर, मान लीजिए एमएलए लोगों का फोन या मैसेज का कोई वैल्यू नहीं है आप लोगों के नजर में, हम आपको बहुत बार मैसेज भी किए, हम 4 बजे से इस ऑफिस में आए, फिर आपके आपदा में गए, तो वहाँ मान लीजिए आपसे नहीं भेटो, आगे बढ़िए बताइए, आपके लिए एक मैसेज है, मेरे लिए बहुत काम है और बढ़िए आगे। आप नहीं मिल सकते हैं एमएलए से, आगे बढ़िए, मैंने एकदम कंफर्म है ना, हम आपको कंफर्म कर रहे हैं, आप समय लिए समय कैसे, आप फोन उठाइएगा तब ना, तो लीजिए बात, नहीं नहीं आप बताइए सर, रेड अलर्ट है, हाँ नॉर्थ बिहार में बाढ़ आ रहा है। अच्छा, और जहाँ बाढ़ आया है, सुन तो लीजिए ना, नहीं नहीं आप जो बहुत इसके लिए सर, मेरे पास समय नहीं, आप छोड़ दीजिए, हम आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, नहीं नहीं आप बोल सकते हैं, नहीं 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 आप बोल सकते हैं, यही दिक्कत है आपके साथ, नहीं जो भी दिक्कत, दिक्कत क्या है, सही बात है, दिक्कत है, आप मेरी बात सुन लीजिएगा तो सुन लीजिए, हाँ बताइए, नहीं सुनना है तो मैं आपसे आप जा सकते हैं, ठीक है, अनुरोध क्या कर रहा हूँ मेरा कि आज ये कहना कि मैंने मैसेज किया, नहीं आप नहीं, एक हरसन बोले, हाँ दम एक नहीं कई बार मैसेज किए, आप एक कॉल तो अटेंड कर सकते नहीं, हैं, ठीक है, एकदम एकदम सही बात है, हम आपकी सारी बात इसमें देख लीजिए, नहीं अब कर लीजिए, एकदम किए, मैं जानता, आप जो कर रहे हैं ना, अनुरोध कर, हाँ एकदम आप कहिए कि एक एमएलए से आप नहीं मिल सकते हैं 4 बजे से लेकर के अभी तक। अब इस वीडियो में आप जो बहस सुन रहे हैं दोनों के बीच, ऊर्जा सह आपदा विभाग के जो प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत हैं वो उनसे मिलते हैं और फिर कहते हैं आप अपनी समस्या बताइए, और राजद विधायक कहते हैं सरोज यादव कहते हैं कि मैं आपसे लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं और आप हैं कि जवाब नहीं देते हैं, मैंने कई दफ़े फ़ोन किया, कई मैसेज किया, आपने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत सारा काम है, हम आपके लिए फ्री नहीं बैठे हैं या माफी का जवाब नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा, फिर दोनों में बहस होती है, उन्होंने कहा अगर आप मेरी बात नहीं सुन सकते तो आप जा सकते हैं। तो इस तरह का ये हॉट टॉक जो चल रहा है, यह वीडियो भी काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, और एक विधायक की बात एक सरकारी अफसर अगर नहीं सुनते हैं तो इसको लेकर के ये सवाल खड़ा हो सकता है, राजद में भी तीखी प्रतिक्रियाएं इस पर आ सकती हैं कि आखिर एक जनप्रतिनिधि समस्या लेकर जाता है या उनसे संपर्क करने की कोशिश करता है तो वो उनका फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं, मैसेज का जवाब नहीं देते हैं। उन्होंने मैसेज का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है और वो वीडियो भी है, हालांकि वीडियो में सरोज यादव दिखाई नहीं देते हैं लेकिन प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत जरूर दिखाई पड़ रहे हैं, और दोनों के बीच जो हॉट टॉक चल रहा है वो भी इस वीडियो में साफ सुना जा सकता है। दरअसल जो राजद विधायक थे वो वहाँ मिलने इस सिलसिले में गए थे कि उनके गांव के आसपास उनके क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने कहा बाढ़ग्रस्त घोषित कर दिया जाए। इस पर वो वीडियो में कहते देखते हैं कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हम सीधे बाढ़ग्रस्त घोषित कर दें, इसके लिए कुछ अलग नियम कानून होते हैं, लेकिन इसी पर बात कहीं और चली जाती है, बात उठने लगती है कि आखिर आप हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठाते हैं। इस पर उन्होंने भी जवाब दे दिया कि अगर आप मेरी बात समझ नहीं सकते तो हम भी आपकी बात नहीं सुन पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो पर क्या रिएक्शन आता है इसका इंतजार सबको रहेगा, तब तक आप भी देखते रहिए beforeprint.in। नमस्कार।